अरे हाँ अरोड़ा साहब, अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अरे आपको तो पता ही है कि हमारी कंपनी के शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ रिलैक्स रिलैक्स हो जाएगा। अरे वो मेरी बात हो गई उनसे। हाँ चलिए ठीक है, अभी मैं रखता हूँ। ओके। अरे आपने अभी तक कॉफी फिनिश नहीं करी। अरे वो अरोड़ा साहब का फोन आ गया था। ओके ओके ओके। हाँ तानिया, तुम्हें पता है हमारी कंपनी के शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए? मुझे पता है, लेकिन ना मुझे ना शेयर वेयर की बातें ना कुछ समझ में नहीं आती हैं। अरे तो समझा करो ना भाई, आखिरकार तुम एक उभरते हुए बिजनेसमैन की वाइफ हो, है कि नहीं? पर यू नो हाउ स्टार्टेड माय बिजनेस फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट, और आज देखो, आज मेहरा एंड कंपनीज एक ब्रांड है। हाँ बाबा, पता है मेहरा साहब मुझे। अब आप जल्दी से कॉफी फिनिश कीजिए और ऑफिस जाइए। ओके ओके होम मिनिस्टर साहब, थैंक यू सो मच गुड। मुझे याद दिलाने के लिए। ओके ओके बाय, ठीक है, टेक केयर। और हाँ, शाम को मिश्रा जी के यहाँ डिनर है, ओके ओके तैयार है ना? हाँ चलिए। और हाँ, मेरा बैग लाती हूँ, लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके ओके बाय, टेक बाय। केयर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आराम चलो। ओके सर, ठीक है सर। इसी मेल का तो मैं इंतजार कर रहा था, और मुझे पता था कि मित्तल फाइनेंस मुझे फाइनेंस जरूर करेगा। थैंक्स गॉड। आपसे कोई मिस्टर विनायक जी मिलने आए हैं। कौन विनायक? बोलो साहब, अभी बिजी हैं, अभी मुझे किसी से नहीं मिलना। लगता है आ गए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जल्दी आ गए। तानिया, आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसा क्या हो गया आज? अरे भाई तुम्हें क्या पता, आज मुझे 100 करोड़ का मेल आ गया, वो भी मित्तल फाइनेंस कंपनी से। कांग्रेचुलेशंस मेहरा जी। थैंक यू सो मच। बस बाकी की फॉर्मेलिटीज और हो जाएं तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। आई डू होप वो भी जल्दी हो जाएगी। आप रिलैक्स करो, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूं। ओके। हेलो, हु इज दिस? अरे मैं विनायक। विनायक? कौन विनायक? अरे यार तेरे बचपन का दोस्त, भूल गया क्या? अच्छा 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 विनायक, विन्नी, वो बैक बेंचर है ना? वही 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 बैक बेंचर। अरे कहाँ है भाई तू, मैं दिल्ली आया हुआ हूँ यार। अच्छा अच्छा तू ही आया था क्या मेरे ऑफिस? अरे हाँ यार, दिन में ऑफिस आया था, वो तेरे पीएन ने कह दिया कि साहब बिजी हैं, टाइम नहीं है। बहुत बड़ा आदमी हो गया तू। हाँ हाँ यार, उस समय मैं बिजी ही था। हाँ अच्छा, दिल्ली दिल्ली क्यों आना हुआ? अरे वो तो मैं आया था किसी काम से, तो मैंने कहा चल तेरे से भी मिल लेता हूँ इस बहाने। कहाँ रहता है आजकल? अरे अपना एड्रेस तो भेज यार, व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेज,
आज मिलते हैं यार, गप्पे मारेंगे। सॉरी यार, वो ना तेरा सरनेम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। अरे छोड़ यार, सरनेम से क्या लेना देना, अपना एड्रेस लोकेशन भेज यार, मिलेंगे ना। तू ऐसा कर, मेरे सेक्रेटरी से बात कर ले। हाँ, उससे अपॉइंटमेंट ले ले, मैं जब भी फिरूंगा वो तुझे बता देगा, फिर हम दोनों मिलते हैं। बहुत बड़ा आदमी हो गया लग रहा है। चल कोई बात नहीं, आता हूँ, एड्रेस लेता हूँ तेरे सेक्रेटरी से। अरे हाँ ठीक है यार, तू अच्छा तू ये बता, तू है कहाँ पर? मैं गाड़ी भेज देता हूँ ड्राइवर के साथ, ठीक है? ओके, मैं अपने दोस्त की स्कूटी लेके आ जाऊंगा, तू फटाफट भेज। स्कूटी पे आ जाऊंगा? स्कूटी? अरे स्कूटी से नहीं तो क्या, हवाई जहाज लेके आऊंगा यार। आने से मतलब है ना, पहले बैठ के बातें करते हैं फिर बतियाते हैं सारी। अरे ठीक है, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ यार, टेंशन ना ले। स्कूटी पे। ये लीजिए आपका फेवरेट एप्पल। थैंक यू सो मच। कोई आ रहा है क्या? हाँ यार, वो मेरा दोस्त आ रहा है बचपन का, बिन्नी। हाँ वो आ रहा है, दिल्ली किसी काम से आया होगा तो मुझसे भी मिलने आ रहा है। खैर सोच रहा है शायद कोई जॉब वॉब के लिए सोच रहा होगा, कि क्योंकि उसको पता है कि मेरा इतना बड़ा ग्रुप है, उसको कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो। ये तो सभी लोग सोचते हैं, है कि नहीं? और दोस्त है वैसे भी मेरा। कोई नहीं, कोई जॉब हो तो दे देना, आखिर आपके स्कूल फ्रेंड है। अरे डिजर्व करता होगा तो रख लूंगा। लगता है मेरे ऑफिस भी स्कूटी से ही आया होगा। एटलीस्ट इतना तो सेंस होना चाहिए ना यार, कि तुम किससे मिलने जा रहे हो। हाँ ठीक है। हाँ रोहन मुझे मिल गया यार, आज शाम को उसके पास जा रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ। और तुम अपना ख्याल रखना, सोनू का ख्याल रखना, काम होते ही कल मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है ना, काम हुआ समझो। अरे काम के लिए निकलना पड़ता है यार, तुम समझा करो ना। बिन्नी। और भाई रोहन कैसा है? कैसा है मेरा भाई? बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। और कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आराम से आ गया। अच्छा अच्छा, चल आ तुझे अपना घर दिखाता हूं। वाह भाई वाह। हाँ बिन्नी, गजब है यार, देख यार। अरे वाह यार, मान गया मैं तेरे को, क्या कमाल है यार, तूने अच्छी तरक्की की है, गजब। शॉक्ड हो गया? हाँ यार। देख बिन्नी, जो कुछ भी यार, मेरा छोटा सा घर है। आविनी बैठते हैं। अरे वाह, कम ऑन। हाँ हाँ। हाँ यार बस। घर बढ़िया बनाया तूने यार। थैंक यू यार, बैठ। वाह, चांदी का सोफा लग रहा है मेरे को ये। चांदी का तो नहीं, लेकिन हाँ इट्स लुक लाइक चांदी। बहुत बढ़िया यार, तूने तो अच्छी तरक्की की। हाँ। तुझे देख के दिल खुश हो गया। थैंक यू यार। अच्छा यार, वो तुझे वो बचपन की याद है, बात याद है जब बोला तू मुझे वो फोन पे कि वो बियर टंकी में बियर रखी थी और प्रिंसिपल साहब, याद है तुझे वो बात? और वार्डन की अलमारी के नीचे से खिसका दिया करते थे और प्रिंसिपल ने पकड़ ली। और प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे थे? और प्रिंसिपल कहता तू अकेला अकेला पीता है। अबे अबे भूल गया क्या? मरवा देता पागल उस दिन। अच्छा एक बात बता। हाँ। तुझे मेरा स्टेटस तो पता चल ही गया होगा। हाँ मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, तुझे चेक करता रहता हूँ। काफी तरक्की की है तूने यार। आज इंडिया के हर सिटी में तेरे भाई का बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा देख, मुंबई बहुत बढ़िया, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुड़गांव, सूरत, एवरीवेयर। तुझे पता है कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े लोगों में वाह मेरा उठना बैठना है। वाह वाह। और मंत्री से लेकर संतरी तक बहुत बढ़िया, सब मुझे सलाम ठोकती है। अरे पगले तुझ पर तो घमंड है मेरे को, तेरे जैसे अगर एक दो दोस्त और हो जाए ना तो साले मेरे को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। गजब है यार, अच्छी तरक्की की है तूने। ये कोई तरक्की नहीं है भाई। अच्छा, अरे ये तो तुम लोगों के लिए तरक्की है। अच्छा, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है मेरे भाई, बहुत ऊंची उड़ान भरनी है। अच्छा तू बता,
तू क्या कर रहा है? बस यार वही अपना खानदानी पुश्तैनी जो फाइनेंस का काम था। हाँ। दादा परदादा के जमाने का था। अच्छा 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 अच्छा, बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो अच्छा यार, दाल रोटी चल जाती है ना तुम लोगों? बस भाई प्रभु की कृपा है, दाल रोटी चल जाती है बस। अरे सुन, कभी जरूरत पड़े ना तो अपने इस दोस्त को आजमा लियो, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। इवन इधर देख, पैसा ही तो कमाया है लेकिन दोस्तों के लिए जान हाजिर है यार। अरे यार कमाल है, पैसा तो बहुत छोटी चीज है। थैंक यू। ये है तानिया। तानिया हो? ये मेरी वाइफ। हेलो तानिया, कैसे हो आप? गुड। पहचाना मुझे? हाँ पहचान लिया। आप शायद फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में थे ना जब मैं फर्स्ट ईयर? हाँ बैठ जाओ बैठ। हाँ हाँ मैं थर्ड ईयर में था जब आप फर्स्ट ईयर में थी। तो तुम तो एक दूसरे को जानते हो यार, एक ही कॉलेज में हम लोग एक ही साथ तो थे। हाँ यार बस। अच्छा तानिया, ये वही तो नहीं तुम्हारा विनायक जो तुम्हारा क्रश था तुम बता रही थी? अरे नहीं यार, वो बस गलती से एक आध बार नजर ऐसी यूं ही पड़ गई है बस, ऐसा कुछ नहीं था, वो सब बस तुम्हारी गलतफहमी है। हमारी किस्मत में कहाँ है यार ये सब प्यार मोहब्बत। बिल्कुल 100% सही कही है। भला गरीब आदमी भी किसी का क्रश हो सकता है? क्यों तानिया, इसका तो सपना ही था कि किसी अमीर से शादी करनी है। हाँ इसने एक बार बताया था कि इसका सपना किसी अमीर से शादी करने का है। और देख कितनी अच्छी किस्मत है यार, तेरे जैसे अमीर आदमी से इसकी शादी हो। चलो आप लोग बातें कीजिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। तूने तो अपने घर में ही बार बना रखा है, कमाल है यार। यार यू नो लग्जरी। वाह लग्जरी समझता है, देख बार में लाइट्स वगैरह भी लगा दिए मैंने। कमाल है यार। थैंक यू। लिव लाइफ किंग साइज। अरे यार लिव लाइफ किंग साइज। राजू। यस सर। सिंगल माल्ट स्कॉच निकाल। शो सर। बिन्नी। हाँ। आज मैं ना तेरे लिए दुनिया की ना जो सबसे महंगी स्कॉच, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वो पिलाऊंगा। अरे तो मेरा दोस्त भी तो वर्ल्ड का रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो स्कॉच क्यों नहीं होगी? अरे थैंक यू मेरे भाई, बस कर पगले बुलाएगा क्या? बस यार। अरे नहीं यार, लग्जरी नाम की भी कोई चीज होती है। देख ये है। कमाल है यार, तेरे शौक भी बड़े अजीब है यार। विन्नी तुझे पता है जितने का ये मेरा बार है ना, देख बुरा मत मानियो यार, तुम जैसे गरीब लोगों के ना इतने में घर बन जाते हैं मेरे दोस्त। अच्छा। हाँ कमाल है यार। बना तू बना। अच्छा सुन यार, वो याद है वो बचपन में रूपा? यार हाँ वो तेरी क्रश यार, वो बैठती तो मेरे साथ हाँ लेकिन देखती तुझे थी। अरे यार तुझे अब तक याद है? तू क्या सोच रहा है मुझे नहीं मालूम? नहीं, नहीं, नहीं यार तुझे सब मालूम है। हाँ। आई नो। और यार वो जो तू गाना सुनाता था उसको, भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, गाना सुना दे प्लीज यार वो गाना। तू एक तो तेरी ना आदत क्या थी, तू जब भी गाना सुनाता था ना तू उसका एक ही गाना सुनाता था यार, वो गाना सुना दे यार प्लीज यार। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए, तेरे लिए। क्या बात तेरे है यार लिए। गजब, क्या बात है यार, गजब बहुत बढ़िया, गजब बहुत बढ़िया, जबरदस्त सॉन्ग है। लेकिन एक बात बोलूं यार? बता। सब कुछ ठीक है लेकिन तू जो वो स्कूटी पे आया ना यार, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अरे यार तो उसमें क्या हो गया, स्कूटी से भी इंसान ही चलते हैं ना यार। थोड़ा मैंने कहा दिल्ली के मौसम का मजे ले लूंगा, थोड़ा दिल्ली की गलियों को देख लूंगा। बहाने मत बना, तुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताना यार, 10-20 लाख रुपए तुझे ऐसे ही दे दूंगा। जरूरत है तो बताना यार। नहीं नहीं अभी कुछ जरूरत नहीं है पैसे की, जरूरत होगी तो तुझे बता दूंगा। देख ये मत समझना मैं नशे में। नशा तो तुझे हो गया है, इनफैक्ट तुझे बड़े हल्के में नशा हो गया है। ए नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तो गलत समझ रहा है। एक बात बता, स्कूटी से आने में क्या प्रॉब्लम है? तू ये लेवल नहीं समझेगा, लेवल की बात है, स्टैंडर्ड की बात है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तू स्कूटी पे अटका है। ये तूने क्या पहन रखी, कौन सी ये घड़ी? तो शायद ये ऑडिमस पिगेट। कॉपी मत पहना कर भाई, तुझे तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल है नहीं, कम से कम अपने दोस्त की इज्जत का तो ख्याल कर। अरे मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑनर रोहन मेहरा के बचपन का दोस्त है तू यार, ये कॉपी मत पहना कर प्लीज यार।
तू थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन कर प्लीज। ठीक हाँ। है भाई ठीक है। अच्छा दिखाना भाई जरा, ये देख, ये देख तेरे दोस्त का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज जो इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने 100 करोड़ का मेल मेरे को सुबह मेरे को मेल आया पता है। अच्छा मेल आया अप्रूवल, अभी फंड इश्यू नहीं हुआ है पाइपलाइन में, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगा। किससे बात चल रही है तुम्हारी उसमें? अरे किससे बात हुई है? जनरल मैनेजर मित्तल ग्रुप्स कौन है पता है? चेनाराम जी, जानता है? अच्छा हाँ, चेनाराम जी से मेरी डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट ऐसे। तुम्हारी डायरेक्ट बात होती है? अरे डायरेक्ट यार, अरे तुझे यकीन नहीं है? मैं तेरे को अभी फोन करके बताता हूँ, देख अभी फोन करके दिखाता हूँ, ये देख रुक जा, अभी मिलाता हूँ, तेरे को यकीन नहीं है? चेनाराम जी से अभी बात कर रहा हूँ, चेनाराम जी से। हेलो हेलो हेलो, हाँ चेनाराम जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, कैसे हैं? मैं बढ़िया, रोहन मेहरा बोल रहा हूँ मैं, मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से। हाँ जी हाँ जी, समझ गया, आपका नंबर सेव है। थैंक यू चेनाराम जी। चेनाराम जी मेरे साथ ना मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है विनायक, विन्नी। वो मैं उसको प्यार से विन्नी बोलता हूँ। अच्छा इसको जरा बता दो कि मैं आपको कितना जानता हूँ, मेरी आपकी क्या बातचीत है। अच्छा अच्छा, हेलो बात कीजिए। हाँ चेनाराम जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ विनायक मित्तल। सर सर सर, आप यहाँ कैसे सर? हाँ ये रोहन मेरे बचपन का दोस्त है, मैंने इसका प्रोजेक्ट देखा काफी, जाने इसके प्रोजेक्ट में तो। ओके सर। एक काम करो, इसकी फाइल लगी हुई है 100 करोड़ की, अप्रूव करो। ओके सर, आप अप्रूव करो, फंड ट्रांसफर कराता हूँ। हाँ 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 हाँ, लो लो बात करो। थैंक यू सर। मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओनर विनायक मित्तल, हाँ? अच्छा भाई रोहन, अब चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे दोबारा जब दिल्ली आऊँगा, फिर मिलूँगा, ठीक है? हाँ यार। अरे तू इतने उदास क्यों है यार? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, टेंशन ना ले। उदास नहीं हूँ, लेकिन अपने आप से शर्मिंदा हूँ। मैं रात को तुझसे कितना अनाप शनाप बोलता रहा, उल्टा सीधा बोलता रहा, अपनी खोखली बातों से तुझे इम्प्रेस करता रहा। मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर देट, मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त। छोड़ यार, जाने दे, कोई बात नहीं दोस्त। मैं तुझे अंडर एस्टिमेट करता रहा बात बात पर, और तू हंसी में मेरी बातों को उड़ाता रहा। इसे कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं बड़प्पन, इसे कहते हैं लेवल, असली लेवल तो तेरा है मेरे दोस्त। मालूम है मेरे पिताजी क्या कहा करते थे? कहते थे बेटा, चाहे तू बेशक कामयाबी के शिखर पे बैठ जा, सिर बेशक आसमान में हो, मगर अपने पैर हमेशा जमीन पर रखियो, क्योंकि अगर पैर जमीन से उठे तेरा बैलेंस बिगड़ सकता है, तू गिर सकता है। और दोस्त एक बात और ध्यान रखना, फलदार वृक्ष का काम होता है हमेशा झुकना, और जो सूखे ठूंठ होते हैं ना वही अकड़ के खड़े होते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? थैंक यू मेरे दोस्त, तूने वो बचपन की बातें मुझे फिर से याद दिला दी मेरे भाई। बचपन में भी तू मेरी शरारतों को, बचपन में भी तू मेरी नादानियों को, मेरी गलतियों को हमेशा छुपाता था और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था, और आज फिर से तूने मेरी गलती पर मुझे फिर से सबक सिखाया। ठीक है दोस्त, ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ, मेरी नेक्स्ट मीटिंग मुंबई में है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे फटाफट अभी एयरपोर्ट जाना है। अरे तू टेंशन ना ले मेरे दोस्त, ठीक है? अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुझे एयरपोर्ट तक अपनी गाड़ी से छुड़वाता हूँ, तो टेंशन ना ले, तेरी फ्लाइट मिस नहीं होगी। फ्लाइट मिस नहीं होगी दोस्त, क्योंकि मैं प्राइवेट जेट से चलता हूँ। क्या?